चेहरे से नकाब कई लोगों ने उतार दिया है, कई लोगों ने अभी भी नहीं उतारा, लेकिन रंगे हाथों कई लोग पकड़े गए। तो दो लोगों का और दो तीन लोगों का मैं आज खुलासा करने वाला हूँ। राहुल गांधी जी को इन मशीनों के खिलाफ डिसुएड करें, मतलब बोलने से, और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका, राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो वो चेहरा बेनकाब हुआ, और वो है योगेंद्र यादव जी का। कितने हमारे अपने लगते थे वो कि ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये हमारे ओबीसी समाज से हैं, कितने अपने लगते थे, ये भी स्लीपर सेल निकले। हर एक 2014 के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप के चारों तरफ स्लीपर सेल्स, जिन्हें ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है, स्लीपर सेल भी कहा जाता है, वो एजेंट कहा जाता है। आरएसएस और बीजेपी ने हर बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर अपने जो मुखबिर हैं, जासूस कह लीजिए, स्लीपर सेल कह लीजिए, बिठा दिए हैं। और उनका काम, सबसे बड़े कामों में से एक बड़ा काम ये है, गुमराह तो हर टॉपिक पे करे, लेकिन मशीनों के ऊपर अपनी लीडरशिप को बिल्कुल भी एजिटेट ना करने दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनमें से जो नजर तो हमारे साथ आते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी के साथ नजर आते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप भी देख रहे हो, लेकिन अंदर से वो होते आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। और अपने चेहरे से नकाब कई लोगों ने उतार दिया है, कई लोगों ने अभी भी नहीं उतारा, लेकिन रंगे हाथों कई लोग पकड़े गए। तो दो लोगों का और दो तीन लोगों का मैं आज खुलासा करने वाला हूं। जयराम रमेश जी जो और उनके साथ खेड़ा जी हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशीनों के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से, इतना बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि यही वो लोग हैं, जयराम रमेश जी खास तौर पे, और जो उसमें वेणुगोपाल जी का भी नाम आता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी को इन मशीनों के खिलाफ डिसुएड करें, मतलब बोलने से, और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका, राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो वो जयराम रमेश जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, और उनके चारों तरफ और जो एक क्लोज नेट टीम है उनका सबसे बड़ा रोल आता है, वरना ना लोकसभा में ये हालत होती चुनाव में, ना हरियाणा में होती। लेकिन जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नजर आती है उनके साथ खास तौर पे, और जो उनके सहयोगी हैं उनमें से एक वेणुगोपाल साहब भी बताया जाता है, और तो उन सब लोगों ने राहुल गांधी जी को मशीनों का मुद्दा मेन मुद्दा बनाने से रोका। एक पब्लिक डोमेन में जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था ना, मैंने तब भी ये बताया था कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस ये की गई कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती की थी। हम लोग तो कहना ही है चाहिए सबको कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, जब तक हम ये कहेंगे ही नहीं तो कौन सा कोर्ट हमें मदद करेगा। तो उसके बाद एक और चेहरा बेनकाब हुआ, और वो है योगेंद्र यादव जी का। कितने हमारे अपने लगते थे वो कि ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये हमारे ओबीसी समाज से हैं, कितने अपने लगते थे, ये भी स्लीपर सेल निकले। और सबूत जो ये तीनों रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें प्यारेलाल गर्ग साहब की भी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप लोग उनके इंटरव्यू सुनो आपको नजर आ जाएगा। देवर सायम साहब ने, रिटायर्ड जजेस ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, उन सबकी तीन रिपोर्ट्स तैयार की तीनों का, और एक जर्नलिस्ट भी हैं अग्रवाल साहब है उनका नाम, मुझे याद नहीं है अभी। तो उन सब लोगों ने इतनी अच्छी मशीनों के बारे में रिपोर्ट्स तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाली, चुनाव आयोग ने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो कैसे, 17 सितंबर को ये मशीनों का मामला किसी तरीके से जमीन में गाड़ दें, देश की जनता बस मशीनों की बात करनी बंद कर दे, बाकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुराई कर लें, उनको कितनी गाली दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाने के ये धर्म की राजनीति करके बेईमानी से वोट ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में इतना बड़ा शॉक लगा पूरा देश जब ये कह रहा था कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, बावजूद इसके कि हुड्डा साहब ने, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया, उन्होंने भी लालच आया कि अब तो आंधी चल रही है। और ये योगेंद्र यादव जी आंधी तो अपनी स्पीच में ही बता रहे थे, आंधी और पता नहीं सुनामी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो ये जब हुड्डा साहब को लगा, मैं गलती बता रहा हूँ हुड्डा साहब की, उन्होंने कहा अब तो आंधी है, मैं अपने घटिया से घटिया आदमी को टिकट दिलवा दूं, दे दूं, तो बस रेलम पेल कर दो, उन्होंने वो किया। शैलजा जी को मेरा जो मानना है, उनको सीएम का चेहरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पर ये मैं उनको कोई सलाह नहीं दे रहा,
तो ये सारे के सारे जो गड़बड़ी हुई, जो संगठनात्मक भी गड़बड़ी हुई, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये जान के कि सुनामी आई हुई है बिल्कुल रिलैक्स मोड पे डाल दिया। ये भी किसने किया? इन्हीं लोगों ने, ये योगेंद्र यादव टाइप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स मोड में डाल दिया। शिकायत ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करो और तुम जीत गए, ये माहौल बना दिया जम्मू कश्मीर में भी। और ये दूसरा बड़ा धोखा था, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता ना, लड़ाई तो पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मशीनों को भी तो कुछ हद तक ज्यादा रोका जा सकता है ना, अगर मशीनों से भी चुनाव हो तो उसको भी रोका जा सकता है। जैसे फर्स्ट फेज में जो चुनाव के नतीजे आए वो आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट फेज के जितने भी इलेक्शन हुए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन, और हमने नाक में दम कर रखा था आयोग का, उसकी वजह से भी फर्स्ट फेज के उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो आप लोग सब देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मशीनों को अंदर से कम ताकतवर किया जा सकता है, अगर लड़ा जाए ईमानदारी से इलेक्शन। तो उसके बाद जब ये धक्का लग गया, तब अब सबको पता था कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी टॉप लीडरशिप पूछेगी, तो किसी और के बगैर बोले, सबसे पहले जयराम रमेश जी ने अपने खेड़ा साहब के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार कि जी मशीनों में गड़बड़ है 99%। और ये, अरे भाई ये तो मैं पहले से ही बोल रहा था, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, या कोई उनसे सवाल ना करे कि भाई असली गड़बड़ तो इधर से हुई है ना, जब वरना एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल रही कोई, भले ही कुछ भी हो जाता, कितना भी भीतरघात, पब्लिक इतने खिलाफ थी बीजेपी और आरएसएस के, और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस किया कि ये तो जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है मोदी जी की पूरी ताकत लगा के, जब भी लोकसभा में इतने परसेंटेज नहीं आए, आज तक कभी उनकी क्लियर मेजोरिटी नहीं आई हरियाणा में, अब कैसे आ गई, ये सब रीजंस दे रहे हैं। तो अब एक ही वजह बचती है, मशीनें। तो मशीनों के खिलाफ इनसे सवाल ना किया जाए, इसलिए एज एन आई वॉश धोखा देने के लिए राहुल गांधी जी को और लीडरशिप को एक बार फिर स्वयं ही इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और एक टूटा फूटा सा लेटर लिख दिया। किसको? अब आप देखिए, जो चोरी कर रहा है उसको लेटर लिख के ये बोलोगे कि आप ये चोरी हो रही है इसको रोको, तो वो क्या कहेगा, चोर क्या कहेगा, यहां तो कोई चोरी नहीं हुई। और ये लेटरबाजी करने से आरएसएस और बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इस गलत फहमी में जी रहे हैं ये जयराम रमेश साहब और ये जितने भी उनके साथी सहयोगी हैं। तो ये एक धोखा देने के लिए अपनी पार्टी हाईकमांड को, ये एक्टिविटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है हाईजैकिंग द ऑपोजिशन, ताकि ये मशीनों की आवाज उठाने वाली भी जो आवाज है वो भी खुद कौन बन जाए, जो मशीनों के लिए भीतरघात करने के लिए स्लीपर सेल है, तो वो स्लीपर सेल ही मशीनों के बारे में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। आगे आगे बढ़ के फोटो खिंचवा ली, और उनके कुर्ते देखिए और चेहरे देखिए, कितनी मुस्कुराहटें नजर आ रही है चेहरे पे, जैसे कोई वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई मन में आग नहीं, आज तक नहीं लगेगी इनके एकदम बढ़िया कलरदार कपड़े होंगे, और मतलब खुद इनके लीडर जो हैं, ना खड़गे जी ना राहुल जी के कपड़े भी इतने कलरदार नहीं होते हैं जितने इनके होते हैं। इनके कपड़े पे सिलवट आ जाए तो ये प्रेस से ब्रीफिंग नहीं करते हैं। ये